अस्सलामुअलैकुम न्यू जनरेशन 1 2 3। दोस्तों मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले आप तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरी कुछ वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा और उस पर लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। दोस्तों मुझे खुशी होती है आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, और मुझे खुशी होती है और मुझे पता लगता है कि चले यार किसी को तो मेरी वीडियो पसंद आई। दोस्तों जब कोई शख्स अगर अच्छा काम करता है तो उसे पीठ पर थपकी देते हैं कि यार वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइब का जो ऑप्शन होता है वो इसी के बराबर होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, मेरी वीडियो को पसंद किया। आप यकीन करें मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मेरे जहन में एक सर्किट है और वो है बेस का। देखिए आजकल लोगों को म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक में जब तक बेस ना हो तो फिर समझ लें कि उस म्यूज़िक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों बेस का सर्किट मैं एक बनाऊंगा, मेरे जहन में सर्किट मैंने डिज़ाइन किया था और उसको प्रैक्टिकली भी मैंने चेक किया। वो इतना प्यारा और इतना ज़बरदस्त बेस है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि सोनी और जो अच्छे ब्रांडेड जितने भी सबवूफर जो कंपनी बनाकर मार्केट में देती है, बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया है। तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो, क्योंकि मैं मसरूफ़ होता हूँ तो मैं, आपने देखा होगा मेरी वीडियो काफ़ी 2-3 दिन 4 दिन या एक हफ़्ते के बाद मैं अपलोड करता हूँ। तो आज मैंने ये सोचा था कि इस मल्टीमीटर के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा। दोस्तों मल्टीमीटर के असल में ये उन लोगों के लिए वीडियो दोस्तों जो जिनको नहीं पता मल्टीमीटर के बारे में, जिनके पास अभी तक मल्टीमीटर भी नहीं है, और जो ख़रीदने के बाद वो बेचारे सोचते हैं कि यार इस वाले ऑप्शन से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इससे। तो मैं इसके तमाम ऑप्शंस आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगा तो लोग स्किप भी करेंगे, और जो अहम बातें हैं आप लोगों के लिए वो बात में वो कट जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो के साथ वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चले दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वोल्टेज के बारे में। दोस्तों इस मल्टीमीटर में आप देख रहे होंगे सबसे पहले ऊपर इस वाले एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ है। अगर आपको नज़र आए, ये फोकस करें तो सबसे नीचे लिखा हुआ है 200 मिली वोल्ट, फिर लिखा हुआ है 2000 मिली वोल्ट, फिर लिखा हुआ है 20 वोल्ट। देखिए मिली वोल्ट और वोल्ट में थोड़ा सा फर्क है। तो इससे ऊपर लिखा हुआ है 200 वोल्ट, और उससे ऊपर लिखा हुआ है 1000 वोल्ट। तो ये तो हो गया डीसी वोल्ट। अब अच्छा बीच वाला ऑप्शन जो है ये वाला, ये आप समझ चुके होंगे कि ये ऑफ का है, मीटर ऑफ है, आप देख भी सकते हैं, और इसका एरो का निशान भी बिल्कुल ऑफ के सामने है। दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ये कहलाता है एसी वोल्ट, जो 220 वोल्ट हमारे आती है इंडिया पाकिस्तान में, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 220 इस्तेमाल होता है, 220 230। तो दोस्तों इस वाले मीटर में, ये जो ऑरेंज वाला मीटर है, ये इसका मॉडल नंबर देखिए नीचे लिखा हुआ है DT830D। तो इसमें 200 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक हम इसको एसी में चेक कर सकते हैं। लेकिन जब हम 220 से ऊपर इस वाले मीटर से जब हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो जो हमारा ये वाला टर्मिनल है ब्लैक वाला, ये हम लगाएंगे अर्थ पे, जो हमारा अर्थ ज़मीन का जो अर्थ होता है उस पर लगाएंगे, फिर इससे हम फेज में डाल के चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ तक आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, और अब है ये वाला जो ऑप्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। दोस्तों ये है एम्पेयर का, आप यहाँ पर देखें 2000 माइक्रो एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर। ये मिली एम्पेयर के लिए, जैसे बैटरी वगैरह को चेक करने के लिए होता है।
अच्छा दोस्तों, ये जो है ये वाला, ये 10 एम्पेयर चेक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात आपने याद रखनी, जब आप 10 एम्पेयर पे लगा के और ये वाला जो सॉकेट है, ये जो टर्मिनल कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, इसको आप जब एम्पेयर चेक करेंगे तो आप यहाँ से निकाल के आपने इसको यहाँ ऊपर वाली जगह पे लगाना है, जब आपको एम्पेयर चेक करना पड़ेगा, चाहे इसका करें या 10 एम्पेयर करें, 10 एम्पेयर से नीचे वाला करें, तो आपको ये टर्मिनल निकाल के यहाँ लगाना पड़ेगा, इस वाले ऊपर वाले 10 एम्पेयर वाले में। और दोस्तों जब भी आप एम्पेयर चेक करें तो 3 या 5 सेकेंड से ज़्यादा आपने नहीं लगा के रखना, वरना आपका मीटर ख़राब हो जाएगा। 3 से 5 सेकंड के बाद आपने, कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद आपने दोबारा उसे चेक करना है, मतलब फौरन चेक नहीं करना, वरना तब भी मीटर आपका ख़राब हो जाएगा। दोस्तों ये होता है HFE, जो HFE होता है ये फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए होता है, और इसका भी मुझे अभी तक नहीं पता, सच्ची बात है, ये जो कीड़े की तरह बना हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है। और ये कंटिन्यूटी है डायोड वगैरह और तार वगैरह को चेक करने का होता है, जिसमें आप देख भी रहोगे स्पीकर की तरह बना हुआ है ये वाला ऑप्शन। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा हिस्सा जो है वो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए होता है। ये जो रेजिस्टर है दोस्तों, इसे चेक करने के लिए हम 200 ओम से लेकर, ये जो मीटर है 200 ओम से लेके 2000 के तक जितनी भी वैल्यू होगी ये उसे आपको बताएगा। और ये दोस्तों NPN और PNP टेस्ट करने का है, मैंने टेस्ट किया, मुझे इसका समझ में नहीं आया। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, दोस्तों ये तो एक नॉर्मल सा मीटर है, मल्टीमीटर है, ठीक है, और इससे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के आते हैं मीटर, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। ये मीटर मैंने ख़रीदा था 250 रुपये का, तकरीबन 1.5-2 साल पहले, यानी कि 2018 में मैंने इसे ख़रीदा था। फिर एक बार मैंने इसका सेल चेंज किया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं DC वोल्ट आपको चेक करके बताऊंगा। मैंने इसे रखा है 20 पे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम इसका वोल्ट चेक करते हैं। ये मैंने एक चार्जर बनाया था, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें रोशनी, देखें इसकी कितनी कितनी ज़बरदस्त रोशनी है, और रात में तो ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता है सूरज निकल गया, रात में सूरज निकल गया। देखें रोशनी कितनी प्यारी है इसकी, देख रहे हैं। दोस्तों आपको मीटर में शो आया होगा 3.58 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको चेक करवा दिया DC वोल्टेज। अब AC को मैं बाद में चेक करवाऊंगा और एम्पेयर को भी। अब हम आते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी में। दोस्तों मैं कंटिन्यूटी में आ चुका हूँ। कंटिन्यूटी में कोई भी तार को चेक करना होता है, जो सीधा लंबा तार होता है, मिसाल के तौर पे ये तार, आप इसे तार समझ लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप एक टर्मिनल यहाँ लगाएंगे और एक टर्मिनल यहाँ लगाएंगे। अगर बीप की आवाज़ आ गई तो इसका मकसद है आपका वायर बिल्कुल ठीक है, और अगर बीप की आवाज़ नहीं आई तो मकसद है कि आपके तार में कोई मसला है। देखिए कंटिन्यूटी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, एक तार है कोई सा भी, इस तरह की बिप की आवाज़ आएगी,
तो अब आते हैं हम इस रजिस्टर को चेक करने के लिए। इसका जो कलर कोड है, कलर जो है वो ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक है। चेक करता हूँ इसको। दोस्तों आपको तो पता होगा कि ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक ये 15 ओम बनता है। अगर आप कलर कोड के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक, यानी ब्राउन का जो कोड है वो 1 है, ग्रीन का कोड है 5 और ब्लैक का कोड है 0। तो इस हिसाब से ये बना 15 ओम्स। तो आप देखें मीटर पे शो हो रहा है। दोस्तों आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि 15.7 क्यों शो हो रहा है। दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर्स, ये जो रेजिस्टर्स होते हैं, सॉरी माजरत के साथ, इनके अंदर 5% टॉलरेंस होती है, यानी कि या तो ये 5% ऊपर बताएंगे या 5% कम बताएंगे। इसमें थोड़ी सी ऊपर अप डाउन होता है इसके अंदर वैल्यू का फ़र्क। तो दोस्तों अब हम आते हैं एम्पेयर की तरफ, ठीक है। दोस्तों आप मीटर पर नजर रखिएगा, मैं इसका एम्पेयर चेक करता हूँ। दोस्तों आपने देखा 2.92 एम्पेयर ये बता रहा था, इस बैटरी का जो एम्पेयर है 2.92 एम्पेयर है, ठीक है दोस्तों। तो ये तकरीबन मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ। और जो ये जो रहता है HFE और जो दूसरा आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसका भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल करके सर्किट बना के आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए कुछ इस पे मुझे एक अलग से सर्किट बना के आपको दिखाना पड़ेगा वो डिटेल। तो वैसे तो आपको इन दो चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है इस मीटर के अंदर। वैसे भी लाइफ में आपको इन दो चीज़ों में इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल जो चीज़ हमारी होती है वो एम्पेयर होता है, एसी और डीसी वोल्ट, और ये जो रेजिस्टर्स के जो है ये होता है। अच्छा ट्रांजिस्टर का भी मैं आपको बताना चाह रहा था, तो मैं आपको ट्रांजिस्टर का भी फटाफट बताता हूँ कि उसे किस तरीके से चेक करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है 2ST5200, ये NPN ट्रांजिस्टर है, PNP मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि इसे हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप हमेशा ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो होता है ये बेस कलेक्टर इमीटर, इसकी फर्स्ट पिन जो होती है वो बेस होती है, बीच वाली कलेक्टर और बिल्कुल आखिर वाली इमीटर होती है। कभी कभी किसी किसी में बेस बीच में होता है, किसी में बेस यहाँ पर होता है, कलेक्टर साइड में होता है। तो आपको ट्रांजिस्टर की डेटा शीट देख के आप आराम से पता कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। असल में दोस्तों मेरे पास माइक नहीं है, मैं हैंड फ्री के माइक से बात करूँ तो बार बार मुझे हाथ में उठा के, एक हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैंने ट्रांजिस्टर को पकड़ा हुआ है, तो मेरी थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो अब मैं बोलूँगा कुछ नहीं, आपको सिर्फ मीटर पर नज़र रखना है, और ये बिल्कुल सही मीटर है। और अगर ख़राब जो सही ट्रांजिस्टर है, और जो ख़राब ट्रांजिस्टर होते हैं, जो ख़राब होगा उसको लगाते ही बीप आ जाएगी, लेकिन इसमें बीप की आवाज़ नहीं आएगी। तो इसका मकसद है ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है और रीडिंग आपने चेक करना है।
दोस्तों इसे मैंने कंटिन्यूटी में रखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। दोस्तों माजरत के साथ, मैंने ये टर्मिनल चेंज किया था, ये एम्पेयर वाली जगह पर मैंने लगाया हुआ था। असल में दोस्तों मैं जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा हीट करता है और ऑफ़ हो जाता है, तो इसलिए माजरत के साथ अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर कोई बीप की आवाज़ नहीं आई और रीडिंग हमारे पास जो आई है 400 से ऊपर आई है। इसका मकसद है हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है, और अगर कभी ऐसा हो गया ट्रांजिस्टर में बीप की आवाज़ ना आए लेकिन हमारे पास रीडिंग बहुत कम शो हो रही, जैसे 200, 250, 150, तो आप ये भी समझ लें कि आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल ख़राब है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, क्योंकि देखें दोस्तों मैं अपनी वीडियो को एडिटिंग नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। ये मैंने वीडियो बनाई है और ऐसे ही मैं अपलोड कर दूँगा, सिर्फ एक जो थंबनेल होता है वो मैं अपने मोबाइल से बना के यहाँ पर डाल दूँगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, खुदा हाफिज़।